अगर आज जेठालाल टाइम पे नहीं आया ना मीटिंग में तो अगली बार मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। बराबर है भाई, जीवन में हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे वो चीज होनी चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी तक आपके शादी क्यों नहीं हुई? जेठालाल तुम सबसे पहले मैं ही आया। सुनाने जा रहा हूं एक बबीता। क्या क्या बोलते हो? अरे जेठालाल, कविता कविता यार, कविता कविता ही सुना रहा हूँ, आराम से बैठो। अरे भाई जेठालाल, तुम जेठालाल और मैं तुम्हारा खास दोस्त तारक मेहता। अरे सारा गोकुलधाम खड़ा है, देखो मैं आत्मरण तुकाराम भिड़े। ये अय्यर अय्यर बेटा, मैं बाबूजी। मैं पत्रकार पोपटलाल। मैं डॉक्टर हाथी। अरे मैं रोशन सिंह सोनी। यार याद आया कुछ जेठालाल? कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। किसी को देख के कुछ याद नहीं आ रहा? एक मिनट, इधर देखो बबीता जी। बबीता जी का नाम लिया फिर फिसल गया। कल ही मैंने आपको याद किया। मुझे कैसे? ओ, कल केबल पे पिक्चर देख रहा था, वो बलम परदेसिया, तो उसमें वो हीरोइन को देख के आप याद आ गए। इतनी फालतू हीरोइन थी वो। जेठा जी, इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही वो एक इंसान हो जिसके ऊपर मैं पूरी दिलो जान से भरोसा कर सकती हूँ। जेठा जी ठीक है, बबीता जी बोलिए बोलिए, क्या करूँ अय्यर के साथ? कुछ भी कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए जी, प्लीज बचा लीजिए। इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, इसलिए वोट देना भूलना नहीं क्रिकेट के चक्कर में। अरे बार बार उंगली क्या दिखा रहे हो मेरी तरफ? मैं शिक्षक हूँ जेठालाल, मैं तो हर साल वोट करता हूँ। देखा देखा मेटा साहब, इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है। मुझे देखो तो इनका भोलापन, भोलेपन पे इतना गुमान कर, भोलापन दो पल में डल जाएगा। ये गीतमाला, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपके दोस्त किसी के साथ दिन रात बातें करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, अपनी आंखों से देखिए। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। आज तो आप अलग ही मूड में हो ना? झूठ बोलने के